and the young boy was resistant about Gandhi and was not thinking much about him, and how he was into thinking about the chakra and the khadi and the Swadesh movement is something really, really intriguing for me for comprehending Gandhi's ideology, which again I would say is very, very intellectual of you, because it is speaking to the young hearts. And it is the youth that changes the world. So I would request you, if you can please tell us more about the chakra and the khadi and Gandhi's ideology on fashion, which once again is comes from the garment ideology. Thank you. You see, I signed in the film because I did research, did my research work on khadi also, khadi and Gandhi. So khadi had been originated 200 years back. Rather sometime 1,000 years back, but he reinvented, because that time everyone was had to wear the imported clothes and people could not afford that. Yes, and that I think is a big language of revolution. Yeah. So that is what he said, ki let's do one thing, kapas utate hain, apne ghar mein banate hain, usko kaate hain, usse hum log apni dhoti banate hain, kapda banate hain. From where, you see, this called origination. Where he originated a spirit in the people. Exactly. It is not a charkha. Yes. It is not a kapas. Yes. It is a spirit within the people. The India is becoming independent. Ji. Yes. The whole symbol is about, even today, as he said, that we have Indian goods. Karne chahiye. Yes. Bhi hum so log, the business stays within India. Even today, India is the biggest consumer. Yes. India is not a producer. True. Which is very sad. Mm-hmm. India should be the producer. But अभी हम लोग बिकॉज 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन ग्राहक हैं सब विदेशी कमा के, विदेशी सामान के कमा तो हो रहे हैं, मेहनत हमें करनी पड़ती है. ये मतलब था चलते. Any other question please? फिल्म देखते वक्त मुझे सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आ रहा था वो ये था कि कमर्शियल्स थे क्या फिल्म बनाते वक्त, कि किस आइडियोलॉजी के साथ में लेके चले? 300% नहीं थी. 300% नहीं थी, क्योंकि मैंने उनसे पहले कह दिया था कि मैं किसी विचारधारा को लेकर फिल्म नहीं बनाऊंगा. मैं एक लेखक हूँ, मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव होता है. व्यास ने अगर राम लिखी है तो रावण भी उतना ही पावरफुल है जितना राम है. जिस वक्त कोई ड्रामेटिस्ट प्ले लिखता है वो कभी भी दृष्टिकोण नहीं रखता है, वो कैरेक्टर्स के दृष्टिकोण लेता है. तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए होता है कि सच्चाई उस प्ले में तभी आएगी जब आप कैरेक्टर से जुड़े होंगे. तो जो कॉन्फ्लिक्ट था अंश का और मामा का, तो मैं अंश के साथ भी उतना ही था. उसका बोल्ड कहना कि आई डोंट लाइक गांधी, चिल मामा, एनफ इज एनफ. यू सी, इट स्टार्ट्स विद अ होल नेगेटिव अप्रोच. इफ यू लुक एट इट, आपके कैरेक्टर के ही दोनों हिस्से हैं कि आप गांधी को लाइक भी नहीं करते और करते भी हैं. नहीं, ऐसा है कि आप किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, आप किसी भी महात्मा के बारे में बात करें, उसके बारे में विवाद हमेशा रहेगा. गॉड है या नहीं है, भगवान है या नहीं है, एक नास्तिक है और एक आस्तिक है, दोनों आधे बढ़े हुए हैं और दोनों ही ठीक हैं. इट इज क्वेश्चन इज बिटवीन टू राइट्स. अगर आपने मेरी फिल्में देखी हो तो ज़्यादातर मेरा कॉन्फ्लिक्ट दो सही लोगों में है, चाहे सौदागर है चाहे कोई है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है और उस कॉन्फ्लिक्ट में मज़ा है. अगर आपने किसी की तरफदारी करके किया तो फिर वो आपकी ओपिनियन है. देन यू आर मेकर टू ऑल, इट इज माय ओपिनियन, आई हैव मेड अ फिल्म, दिस इज व्हाट आई थिंक, आई वांट टू प्रोटेस्ट, आई वांट टू रेज माय वॉइस. वो कह सकता है, उसको पूरा हक है. लेकिन जो अच्छा लेखक और अच्छा फिल्म मेकर होगा उसकी पर्सनल राय नहीं होगी, उसकी ऑब्जर्वेशन होगी समाज के लिए. पहले क्या था, आज क्या और कल क्या होने वाला, वही होगा. एक और लास्ट चीज़, एक डायलॉग है फिल्म में अगर आप देखें तो उसको पूरे पूरी स्टोरी को वैलिडेट करने वाले पूरे इंटरनेशनल लोग हैं इनमें जी, जो यूनाइटेड नेशंस में. जो एक डायलॉग है फिल्म में जो पार्टीशन की बात होती है, जहाँ मनोज कहते हैं कि कुछ दाग रह गए, उससे क्या मतलब है? अच्छा नोट किया, कुछ दाग मतलब कि वो देखिए उसकी जो खटास है उसी को तो पॉलिटिकलाइज किया जाता है बार बार, उसी चीज़ को बार बार दोहराया जाता है. पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान, यानी इतने एक एक देश और वो दुश्मन बन जाए और इस तरह से दुश्मन बन जाए कि हम उसका नाम लेते हुए भी अपने आप को नफरत करें, कितने दुख की बात है. ये बहुत दुख की बात है.
इसीलिए उसने कहा जब दाग रह गए कि अभी भी वो इम्प्रेशन हमारे दिमाग में नहीं गया कि हम एक थे, एक भारत थे, एक इंडिया था, हम सबने साथ में लड़ाई लड़ी थी, सबने साथ में भक्त संतुष्टता की थी। इसलिए उसको जो पॉलिटिकलाइज किया जाता है अपने स्वार्थ के कारण, वो दाग लग, उसे दाग कह दिया। तो एक्चुअली दूसरी तरफ भी जाता है, तो वो थोड़ा सा वो आप ले जाइए, वो आप नहीं, नहीं मैं नहीं ले जा रहा हूँ, वो जा सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको थोड़ा, मेरा जो कहने का मतलब दाग था कि आज भी उसको उसकी खटास जो है उसको पॉलिटिकलाइज की जाती है, जो नहीं की जानी चाहिए। सुभाष जी, इसमें आपने पार्टीशन के लिए जिम्मेदार नेताओं का जिक्र नहीं किया कहीं भी, आप बहुत सफाई से बचते हुए निकले उससे, उसकी क्या वजह थी? क्योंकि मैं एक नाटककार की तरह सोचता हूँ, कि किसी व्यक्ति का विशेष की तरह नहीं सोचता कि वो गलत था, जिना साहब गलत थे या नेहरू साहब गलत थे या सरदार पटेल ने, ये लोग हैं और इन लोगों में हमारा आज, जैसे उसने कहा कि 3000 साल से 5000 युद्ध हुए, हम लड़ते ही रहते हैं, फिर वो व्यक्ति विशेष के नाम बदलते रहते हैं, चाहे वो कोई भी लोग हों, वही स्थिति आज भी है और उस स्थिति कल भी रहेगी। तो जब भी हम नाटक लिखते हैं तो एक फिलॉसफी ऑफ लाइफ लिखते हैं, साइकोलॉजी ऑफ कैरेक्टर्स लिखते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी थी। तो व्यक्ति विशेष का नाम लेने का मतलब कि मेरी ओपिनियन है, जैसे उसने कहा कि एक बाप के 4 बेटे थे, छोटा बेटा नाराज हो गया तो सब कुछ दे देंगे, उसको गुस्सा, तो किसी की भी मैंने नाम लेकर नहीं, क्योंकि आप उसको सामाजिक तरीके से देखते हैं, साइकोलॉजी तरीके से देखते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी था मेरे लिए एज ए ड्रामेटिक्स, एज ए राइटर, आई डू नॉट गिव माई ओपिनियन एंड अटैक एनीथिंग और एनीवन, बिकॉज इट विल हिस्ट्री रिपीट्स, हमेशा इतिहास आपस में रिपीट होता रहा है, दोहराता रहा है, नाम बदलते रहे हैं, लोग बदलते रहे हैं, स्थिति तो वही रही है, अमीर गरीब बस। आपने जिक्र किया था कि 2015 में 2020 की फिल्में लिखी, 10 स्क्रिप्ट तैयार किए, और क्योंकि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि मुख्तार शुड गिव ए गुड कंटेंट, तो जब कंटेंट में ही बोलना है, जब कंटेंट में ही हमको सब कुछ देना है, तो फिर हम स्टार्स पे क्यों काम करें, फिर हम व्यापार पे क्यों काम करें, पहले हम लोग कंटेंट बना लेते हैं, फिर वो आर्टिस्ट को भी पसंद आया, डिस्ट्रीब्यूटर को भी पसंद आया, ऑडियंस को भी पसंद आया, और फिर हमारी गाड़ी आस्ते आस्ते रवाना होगी। तो हो सकता है कि इस साल हम लोग 1 या 2 पिक्चर प्रोड्यूस करेंगे 19 स्क्रिप्ट के ऊपर, और एक आध फिल्म मैं भी शायद शुरू करूँगा, वो कैसी होगी मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि जब मैं पूरा डिसाइड कर लूँ तो आपको बता दूंगा, और आपको बुला के चाय पिला के बिस्किट खा के फिर हम डांस करेंगे। कहीं किसी आप समझिए कि हमारे स्टूडियो से बाहर निकली हो और आपको दिखाई दी, और मुझे खुशी है कि आप इसके साथ हैं। जी जी, इसके पीछे बहुत रिसर्च हुआ, इसके पीछे जब सब्जेक्ट मैंने चुना, जब ये ड्रामा चुना कि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, तो मुझे उसके मेरे साथ मेरी टीम भी जुड़ी थी, फिर उसके बाद रिसर्च किया, देन वी वेंट फॉर द स्टॉक फुटेज, उस कम से कम 1 लाख फुटेज देखी होगी पूरी उसकी, वहाँ से फिल्म डिवीजन से, उधर से, गांधी स्मृति से, सब जगह से मंगा के, तो शूटिंग तो बहुत कम डेज थोड़े थे, लेकिन जो रिसर्च है उसका बहुत पीछे गया, बिफोर शूटिंग ऑल्सो और आफ्टर शूटिंग ऑल्सो, तो आई थिंक मुझको 1 महीना लगा इसको एडिट करते हुए, पूरा 1-1 पॉइंट जो था। इतिहास में भूलते हैं लोग, लेकिन जो अच्छी आत्माएं होती हैं ना, जिन्होंने अच्छा काम किया है, वो लोग नहीं भूल पाते, क्योंकि उनकी अच्छाई जो है उसी से ही बच्चा अपने आप को बड़ा करना चाहता है। हर बच्चे को कहा जाता है ये गुड बॉय और ना, तो गुड का कहाँ से लेंगे, वो किसी अपने इतिहास से लेंगे, किसी लीडर से लेंगे, किसी महात्मा से लेंगे, है ना, किसी पैगंबर से लेंगे, कहीं ना कहीं से लेंगे, चाहे वो स्पिरिचुअल सोर्सेज हों
या हिस्टोरिकल सोर्सेज हो, तो गुडनेस तो आपको चाहिए, आपकी एक आत्मा है, तो इस तरह के लोग हमेशा जिंदा रहेंगे जब तक इतिहास रह सकते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर। मुझे खुशी है कि आज मीडिया ने मेरी फिल्म पहली बार, जो शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है गांधी एक दृष्टिकोण, गांधी ए पर्सपेक्टिव, इस फिल्म को देखा और सराहा। और इस फिल्म में गांधी जी के बारे में जितने भी यंगस्टर्स के, नौजवानों के और कुछ लोगों के सवाल हैं और जिनको शुबा है, शक है गांधी जी के सफलता पर या उनकी यात्रा में, उस सब चीज़ों के जवाब दिए गए हैं। और मैंने जब ये सब्जेक्ट चुना कि मैं एक 30-35 मिनट की एक फिल्म बनाता हूँ गांधी जी के ऊपर, तो सबसे पहले मेरा कर्तव्य था एज ए राइटर कि मैं इसको निष्पक्ष तरीके से सोच के गांधी जी की पूरा रिसर्च करके मैं बनाऊँ। तो गांधी जी के बारे में तो मैं पढ़ता रहा, जानता भी था इतने सालों से, लेकिन जब ये फिल्म बनाने का, लघु फिल्म बनाने का चांस मिला, तो मुझे लगा कि मैं एक फीचर फिल्म बना रहा हूँ। मतलब इतना रिसर्च तो हमने फीचर फिल्म में नहीं किया होगा, क्योंकि इसका सच्चाई से, ट्रुथ एंड फैक्ट से बहुत ताल्लुक था। तो फिर मैंने गांधी जी की जितनी भी फिल्में बनी थी, जितनी भी किताबें थी, वो पढ़ी, उनकी सारी फुटेज देखी, उनको समझने की कोशिश की, क्योंकि ये गांधी जी की फिल्म जो है 30 जनवरी कल नेशनल डी डी नेशनल पर दिखाई जा रही है 3 बजे और 10:30 बजे। तो मैं ज़िम्मेदार हूँ उन 65 करोड़ दर्शकों का जो डीडी नेशनल में इस फिल्म को देखेंगे, जहाँ मैं गांधी जी के बारे में अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तो एक ज़िम्मेदारी का काम था मेरा ये, और मुझे खुशी है कि मैंने जो नाटक लिखा है, उस नाटक के थ्रू तो मैं जो कह सका गांधी जी के बारे में, या गांधी जी के बारे में जो लोग सवाल करते हैं और उन्हें नहीं जानते हैं, उनका जवाब दे सकूँ, ये प्रयत्न मैंने किया है, ये मैंने कोशिश की है। ये मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है या ओपिनियन नहीं है, मेरा एक नाटक है, एक प्रयास है, जिसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी जी के साथ ऐसा क्यों हुआ या इस तरह की घटनाएं क्यों घटी। और मुझे अच्छा है लगा कि आज सभी यंगस्टर को हमारी फिल्म गांधी पर्सपेक्टिव, गांधी एक दृष्टिकोण बहुत पसंद आ रही है। सबसे पहले जब आप किसी भी ऐसे व्यक्तित्व, गांधी जैसी पर्सनैलिटी के ऊपर फिल्म बनाते हैं, उसमें आपके निस्वार्थ भावना होना बहुत ज़रूरी होता है, निष्पक्ष और निस्वार्थ। और जब आप निस्वार्थ भावना से लिखते हैं, सोचते हैं, तो उस तरह का एक स्क्रिप्ट बनता है।
क्योंकि इसको कमर्शियल तरीके से नहीं सोचा गया कि ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी या नहीं आएगी, या मसाला रखा जाए या नहीं रखा जाए। ये पूरी फिल्म रिसर्च के ऊपर आधारित, और मैं उसको कैसे देखता हूँ एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, कैसे मैं पेश करता हूँ, वो सुभाष घई का नज़रिया भी है इस फिल्म को पेश करने का। बाकी रही इस फिल्म के ऊपर, क्योंकि कमर्शियल फिल्म नहीं है, तो इस फिल्म में जो आप मुफ्त की बात कर रहे हैं, या एक सब हमारे विश्ली वुड्स के बच्चों ने काम किया है। हमारा म्यूज़िक स्कूल है जो विश्ली वुड्स का, उन्होंने सारा म्यूज़िक रिकॉर्ड किया, बैकग्राउंड म्यूज़िक रिकॉर्ड किया, गाने रिकॉर्ड किए, तो आप सोचिए कि वो अच्छी भावना से ही किया। सिनेमाटोग्राफर भी हमारे विश्ली वुड्स का है इसके अंदर, आर्ट डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, तो पूरी टीम जो थी हमारे बच्चों के साथ थी, और सिर्फ मैं इसका राइटर डायरेक्टर था, और पूरी फिल्म को बनाया मैंने एडिटर। तो मनोज जी को जब पता लगा, जब मैंने कहा कि देखिए ये फिल्म जो है ये मैं एक नेशनल कॉज के लिए बना रहा हूँ, ये इस तरह से इसके लिए बना रहा हूँ जिसमें कि हम अपने भारत के बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं भी इसमें कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, ना मैं पैसा इसमें कमा रहा हूँ, ना कोई नहीं कमाएगा, तो पैसे का सवाल इसमें आता ही नहीं। तो जब उन्होंने सुना तो बड़े खुश हुए, बोले सुभाष जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, इतने सालों से हमने काम नहीं किया है। और मैं काम करने के बाद इतना कह सकता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया आपने देखा है, कि वही इसी रोल के लिए सूट करते थे, कि उसी स्तर का एक एक्टर चाहिए जो कि बात बात में आपको समझाए कि क्या उसमें सत्यता क्या है। एंड ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ एज अ ग्रेट एक्टर वंस अगेन। जी कल ये डीडी नेशनल पर 30 जनवरी को 3 बजे और शाम को 10:30 बजे दिखाई जाएगी। क्योंकि मेरे को इंस्पिरेशन तो INB मिनिस्ट्री ने ही दी थी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि वो स्वीकार करें या ना करें, मैं अपने तरीके से फिल्म बनाऊंगा। मैंने किसी की डायरेक्शन या मिनिस्ट्री की डायरेक्शन नहीं ली, इसीलिए ये SG फाउंडेशन के अंदर फिल्म बनी है, सुभाष घई फाउंडेशन के अंदर जो भी है वो हमने ही बनाई है। अब ये फिल्म हम उनको दे रहे हैं दिखाने के लिए प्रो बोनो बेसिस पे, तो हमने कोई उनके साथ कमर्शियल डील नहीं किया है। ये सब ये है कि देशवासियों को दिखाया जाए, और मिनिस्ट्री साहब देखने के बाद वो तय कर रही हैं इसको वेरियस स्कूल्स और लाइब्रेरीज एंड कॉलेजेस में भी दिखाया जाए, जो एक खुशी की बात है। जी हाँ, 2015 के बाद मैंने फिल्म नहीं बनाई, उसकी वजह यह भी थी क्योंकि मुझे विस्लिंग वुड्स की एक बहुत सी समस्या थी जो मुझे सॉल्व करनी थी। तो जो मैंने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया है विस्लिंग वुड्स, जिसमें मैंने इतना ज़िंदगी का सब पैसा लगा दिया, एक्सपीरियंस लगाया, तो उसको एक जिस जब उस पर अदालत के काले बादल छाए, तो उसमें मेरा एक बहुत संघर्ष था, उसमें 3-4 साल मेरे निकल गए। तो इसलिए मैं ऐसी फिल्म नहीं बनाना चाहता जिसमें कि मैं लोगों को निराश करूँ, फिल्म वो बनाएं जिसमें लोगों को कम से कम अच्छा लगे और मैं कुछ दे सकूँ। अभी इस साल मैं फिल्म शुरू करूँगा, आपके सामने जल्दी आएगी, और मुक्ता आर्ट्स के अंतर्गत हम लोग दो पिक्चरें प्रोड्यूस भी करेंगे। वो सब एडिटिंग का काम होता है, वो डायरेक्टर का काम होता है, स्क्रिप्ट राइटर का, बिकॉज आई एम ए राइटर माई सेल्फ, सो आई कुड अंडरस्टैंड वॉट द राइटर इज सेइंग, सो लॉट ऑफ रिसर्च वर्क डन बिफोर द फिल्म एंड आफ्टर द फिल्म ऑन एडिटिंग टेबल, सो इट टुक ए लॉट ऑफ टाइम फॉर मी। एक्चुअली आप देखें तो ये 1.5 महीना लगा मुझे फिल्म बनाने में, शूटिंग भले 4-5 दिन की हो। जी मैं जब फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ अब इस साल, जैसे ही मेरा पूरा स्क्रिप्ट आर्टिस्ट फाइनल हो जाएंगे, मैं आप सबको बुला के सबसे पहले मैं ही बताऊँगा, क्योंकि ये खुशखबरी मेरे लिए भी होगी कि मैं एक नए चैलेंज में फिर आ रहा हूँ। धन्यवाद।